हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में माता रानी की जयंती की धूम है। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों, गुब्बारों से नवविवाहित दुल्हन की तरह सजाया गया है। पंजाब के पटियाला, लुधियाना, रोपड़ से आए कारीगरों के द्वारा मंदिर की सजावट का काम बखूबी किया गया है। सजावट में जहां पर 2-3 दिन का समय लगा, वहीं पर पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा माता की जयंती के उपलक्ष्य पर मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में खान पान की भी उचित व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट व्यंजन, जिनमें गरम गजरेला, केसर वाला दूध, गरमा गरम गुलाब जामुन, गरमा गरम टिक्की और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते मंदिर न्यास के द्वारा पूरी सतर्कता भी बरती जा रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और माता की जयंती के शुभ लक्ष्य पर श्रद्धालु माँ के दीदार करके अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। महामाया देवी जी की कृपा से महामाई जन्म के उपलक्ष्य में महामाई जी और लगभग सेवा को शहर वासियों द्वारा जा रही है। हर साल महाराता नैना देवी जन्म जी के उपलक्ष्य में यहाँ पे लंगर की व्यवस्था रोपड़ शहरवासी की तरफ से जाती है। आज महामाई से यहाँ पे सुबह केसर दूध, लजमून, सैंडविच और अभी हम यहाँ पे अपना अपनी टिक्का, अपना अपना क्या कहते हैं, सोयाबीन शाम होगी, उसमें चिला टिक्की सांभर और इत्यादि सारी हमें देसी में बनाए हैं। माँ की सिंह के पास है ये हमारे पूर्ण और आमरी लमरा नीचे है और जो है हिमाचल गवर्नमेंट की दायित्व भी है कोविड-19 को देखते हुए हम उनसे उनका पूरा पाल देंगे और अपनी तरह आश्वस्त करते हैं। हम प्रशासन का पूरा साथ दे रहा है माँ और प्रशासन से हम बहुत कुछ हमें प्रसाद दिखाए उपलब्ध। जय माँ नैना। आगे लोग।